स्टूडेंट, ओब्लीप्रेप्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह विषय है वेदांग। वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चारों वेदों के संदर्भ में जानकारी आपको दी गई अलग अलग ढंग से, और आज यहां से जो भी सवाल निकलेंगे उन सभी सवालों पर हम संक्षिप्त तौर पर दृष्टिपात कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने और देखें। वेदांग, वेदांग क्या है और वेदांग की जरूरत कैसे वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता में पड़ी, इस पर विशेष रूप से, क्योंकि वेदों के संदर्भ में हम लोग जानकारी ले लिए हैं, वेदों के अर्थ को समझने व वेदों की जो स्वरूपगत विशेषताएं हैं, वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों के अर्थ को समझने, वेदों के स्वरूप को समझने के लिए वैदिक सभ्यता में वेदांगों की रचना की गई। वेदांग का जो उद्देश्य था वो ये वैदिक साहित्य का संरक्षण। वेदांग के उद्देश्य की बात मैं कर रहा हूं, वैदिक साहित्य का संरक्षण, वैदिक साहित्य की व्याख्या तथा व्यवहारिक प्रयोग के लिए, व्यवहारिक प्रयोग के लिए वेदों को उपयोगी बनाना, यह वेदांग का उद्देश्य था। तात्पर्य वैदिक साहित्य का संरक्षण करना, वैदिक साहित्य की व्याख्या करना व व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना वेदांग का उद्देश्य हुआ करता था। जैसा कि आप जानते होंगे वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कितनी? 6। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 निरुक्त, नंबर 4 व्याकरण, नंबर 5 ज्योतिष, नंबर 6 छंद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। नंबर 1 पहला वेदांग शिक्षा। शिक्षा को वेद की नाक कहा जाता है, वेद की नाक कहलाने वाला पहला वेदांग शिक्षा। दूसरा वेदांग कल्प है, कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। ज्योतिष को वेद की आंख कही जाती है। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। ये आपके 6 हो गए। अब आइए हम बात करें शिक्षा का क्या आशय है। क्योंकि पहला वेदांग शिक्षा है, शिक्षा से हमारा आशय है ध्वनि शास्त्र,
ध्वनि शास्त्र या ध्वनि उच्चारण शास्त्र, ध्वनि उच्चारण शास्त्र या ध्वनि शास्त्र, यानी शिक्षा में मंत्रों के उच्चारण से संबंधित बातों का अध्ययन। शिक्षा से हमारा आशय है मंत्रों के उच्चारण से संबंधित बातों का अध्ययन, मंत्रों के उच्चारण से संबंधित बातों का अध्ययन हम शिक्षा के अंतर्गत करते हैं या करेंगे, ये पहला वेदांग है आपका। दूसरा वेदांग कल्प है। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने वाले, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने वाले विधि विधान व नियम नियमावली, विधि विधान व नियम नियमावली का उल्लेख या जिक्र करने वाला वेदांग कल्प, यानी वैदिक कर्मकांड के विधि व नियम नियमावली से हमारा आशय क्या है। जैसे हम होम करने जा रहे हैं, होम की जो वेदी बनाई जाएगी, होम के लिए जो लकड़ियां तैयार रखी जाएगी, होम के लिए जो वेदी बनाई जाएगी, उस वेदी की लंबाई कितनी होगी, उस वेदी की चौड़ाई कितनी होगी, उस वेदी में किन किन चीजों का हवन किया जाएगा, इन सब चीजों का स्पष्टीकरण करने वाला वेदांग आपका कल्प है। यानी वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने वाले विधि नियमों का उल्लेख करने वाला वेदांग कल्प। कल्प को हम तीन भागों में बांटते हैं। कल्प वेदांग को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें कि पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। आज की तारीख में स्रोत सूत्र का एक भाग है शुल्ल सूत्र। ध्यान दीजिएगा, स्रोत सूत्र का एक भाग है शुल्ल सूत्र। इसी शुल्ल सूत्र में बीजगणित, रेखागणित व ज्यामितियों का उल्लेख या जिक्र किया गया है। कल्प सूत्र के तीन भाग स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का एक भाग है शुल्ल सूत्र और इसी शुल्ल सूत्र में बीजगणित, रेखागणित व ज्यामितीय का उल्लेख या जिक्र किया गया है। दूसरा है गृह सूत्र, यानी गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए किस तरह से होम, यज्ञ, यज्ञादि की चीजें की जाएंगी, वह आपका है गृह सूत्र में। जहां तक धर्म सूत्र की बात रही, धर्म सूत्र में राजनीतिक बातों का उल्लेख या जिक्र व धर्म से संबंधित कई बातों का जिक्र या स्पष्टीकरण किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूत्र का जो एक भाग है शुल्ल सूत्र, जिसमें बीजगणित, रेखागणित व ज्यामिति का उल्लेख किया गया है। तीसरे वेदांग का नाम है निरुक्त। निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है। निरुक्त से हमारा आशय है शब्दों की उत्पत्ति। चौथा वेदांग हमारा है व्याकरण। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है।
व्याकरण से हमारा आशय है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि। ज्योतिष को वेद की आंख कहा जाता है। ज्योतिष को वेद की आंख कहा जाता है। ज्योतिष के विकास में इस वेदांग का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। अंतिम छंद है आपका, अंतिम वेदांग है आपका छंद। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। वैदिक साहित्य में जगती, त्रिष्टुप व गायत्री, वैदिक साहित्य में जगती, त्रिष्टुप, गायत्री छंदों का विकास हुआ है। बच्चों ये रहा आपका वेदांग। मैं एक बार पुनः इसका इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझ लीजिए। वेदों संक्षिप्त तौर पर, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए, वेदों को व्यवहारिक बनाने के लिए, वेदों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, संरक्षित बनाकर रखने के लिए वेदांगों की रचना की गई। कुल वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, शिक्षा से तात्पर्य, शिक्षा से तात्पर्य हमारा है ध्वनि शास्त्र से है। शिक्षा को वेद की नाक कहा जाता है। दूसरा वेदांग है आपका कल्प। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। कल्प के अंतर्गत 3 चीजें हैं। एक है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज शुल्ल सूत्र है। इसी शुल्ल सूत्र में बीज गणित, रेखा गणित व ज्यामितियों का उल्लेख या जिक्र किया गया है। जहां तक कल्प की बात रही, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए कल्प की महत्ता या विशेष रूप से रही। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त से आशय है, निरुक्त को वेद का कान कहा गया है। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति की बात की गई है। व्याकरण, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। व्याकरण से हमारा आशय है संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। ज्योतिष को वेद की आंख कहा जाता है। ज्योतिष के विकास में इस वेदांग की महत्वपूर्ण भूमिका है। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। वैदिक साहित्य में जगती, त्रिष्टुप व गायत्री जैसे छंदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये रहा आपका वेदांग। और आने वाले समय में मैं आप लोगों से स्मृतियों की बात करूंगा। और ये हैं आपके वेदांग, ठीक है।